जुबिन 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 नोटियाल। ब्रेकअप हो या फिर हैप्पीनेस, सिर्फ उसके ही सॉन्ग मेरे को अच्छे लगते। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। कुछ भी बेटर है यार, फैमिली वाला, लव वाला, बाहर का काम का जो भी मैटर है, अरिजीत सिंह का सुनने के बाद ना एक रिलैक्स मिलता है। सो आवर ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल ऑफ इंडिया, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोगों ने इस वीडियो के लिए भी बहुत कमेंट किए थे कि भाई अरिजीत सिंह वर्सेस जुबिन नौटियाल करो, बिकॉज दोनों सिमिलर वाइब देते हैं, सिमिलर सी आवाज भी, आवाज़ लाइक कि गाने भी वैसे ही रहते दोनों के सेट सेट मोस्टली। तो मतलब ठीक है करते हैं। तो आज मैं पब्लिक में आ गया हूँ और आज मैं जितने लोगों से मिलूँगा सबसे पूछूँगा कि उसके फेवरेट सिंगर कौन है, उन लोग किसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, अरिजीत सिंह को जुबिन नौटियाल को। और मैं यहाँ पे काउंटिंग भी देखे रखा हूँ किसके फैन ज़्यादा मिलते हैं, आपको वीडियो के एंड तक का मालूम हो जाएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कि मेरा फेवरेट कौन है, मैं किसको ज़्यादा सुनता हूँ, मेरे फेवरेट सिंगर कौन है अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल, सब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलो पहला वीडियो देखते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ओके, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है बॉलीवुड में, अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। ओके, बताओ ना एक दो प्लस पॉइंट क्यों अरिजीत सिंह लाइक? क्योंकि उनका वॉइस अच्छा है और इमोशनल सॉन्ग अच्छे हैं, वो अच्छा लगता है। सेम है। सेम। एंड जुबिन को जानते हो कि नहीं आप लोग? नो, नहीं जानते जुबिन नौटियाल? नहीं नहीं जानते, पहली बार सुन रहे हैं आप भी मुझसे। आप लोगों ने गाना सुने थे हम नवा मेरे, तो मेरी सांसें नौटियाल। ओके, बट अरिजीत सिंह ना? यस। में आपके फेवरेट सिंगर कौन है, अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। बताओ ना जरा अरिजीत सिंह क्यों अच्छा लगता है, क्या है क्वालिटी जो अच्छा? अरे वो जब गाता है ना तो एक इमोशनल खुद को फील होता है, जब साथ में गाने साथ, की गाने का ये पूरा एकदम फील में होता है जब वो गाता है, मतलब कुछ भी हो ना तो उसके गाने लगा लो आराम से सुकून भी मिलता है आपको? हाँ यही बात है, मतलब जब भी थोड़ा ऐसा दिल में दुख होता है ना, कुछ भी रहता है, गाने सुन लो रिलैक्स लगता है एकदम। हाँ अच्छा, फैमिली वाला भी कुछ मैटर है तो अरिजीत सिंह का? कुछ भी मैटर है यार, फैमिली वाला, लव वाला, बाहर का काम का जो भी मैटर है, अरिजीत सिंह का सुनने के बाद ना एक रिलैक्स मिलता है, मतलब सुकून पड़ जाती है। और जुबिन नौटियाल क्यों नहीं लाइक, मतलब वो क्यों नहीं? उसके भी गाने तो अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं है, बट अरिजीत सिंह के सामने कुछ भी नहीं है। जुबिन नौटियाल और अरिजीत सिंह? बताओ ना थोड़ा जुबिन लाइक क्यों, मतलब उसके गाने थोड़े ऐसे या वाइबिंग टाइप होते हैं इसलिए। जुबिन नौटियाल। यस। तुमको? सेम। और साउंड आवाज किसके ज्यादा बेहतर है? नौटियाल। बैकग्राउंड तो जुबिन की, मोस्टली मैं उनका ही सुनती हूं। जुबिन नौटियाल है। अजीत सिंह का नहीं सुनते? नहीं सुनते, बट बोलते हैं ना लाइक। हाँ हाँ, तुम्हारे फेस पे धूप आ रही, तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू सो मच। ओके, तो बॉलीवुड में आपके फेवरेट सिंगर कौन है, अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। और जुबिन नौटियाल नहीं क्या? वो भी अच्छे है वैसे, सुनते हैं अरिजीत सिंह का ज्यादा। ओके, बॉलीवुड में तो सिंगर नहीं पर फेवरेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला अमेजिंग यार, वो तो मतलब है भी नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत देवे यार। बट ये दोनों में से, मतलब अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल में से? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह भाई, अरिजीत सिंह। और सब भाई, सब लोग अरिजीत सिंह। बताओ ना जरा क्यों अरिजीत सिंह क्यों अच्छा लगा भाई? उसके आवाज में दर्द है, दर्द छुपा है उसके आवाज में। सिंगल होके मेरे को रोने आता है उसका आवाज सुन के। और अगर रिलेशनशिप में या जो ब्रेकअप हुआ रहेगा उनका क्या होता रहेगा ना भाई? होता है जुबिन नौटियाल को जानते भी होगी नहीं? हाँ जानता हूँ ना भाई, जानता। उनका भी सॉन्ग अच्छा है, उनका भी सॉन्ग अच्छा है। उनको ज्यादा नहीं सुनते क्या? नहीं, पर उसके अरिजीत सिंह के कंपेयर में वो मेरे को अरिजीत सिंह ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। सेम अरिजीत सिंह। सम। ओके, एक एक प्लस पॉइंट बताना है आपको, व्हाई अरिजीत सिंह, व्हाई नॉट जुबिन नौटियाल? बिकॉज ऑफ वॉइस। उनके गाने बहुत पसंद है। कुछ है माइंड में? एवरीथिंग। सतरंगा। और हाँ सतरंगा, नॉर्मली जो भी मतलब रिलीज होता है और फिर वो कंटिन्यू एक वीक तक वही सुनते रहते हैं। एक दो मंथ के लिए तो पब्लिक वो ही रहता है। हाँ वही रहता है। तुम्हारा? मेरा ऐसा स्पेसिफिक कुछ फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बट व्हेन यू लाइक हिज, व्हेन यू हियर हिज सॉन्ग्स, इट इज जस्ट वेरी पीसफुल। या एवरी सॉन्ग आई एंजॉय। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। ओके, थोड़ा एक दो प्लस पॉइंट बताओ ना क्यों अरिजीत सिंह? नहीं बक बहुत आता हमें ना ऐकत नहीं देना। वैसे आपके फेवरेट सिंगर कौन है पूरा? फेवरेट ऐसा कोई सिंगर विंगर ऐसा कोई सीन नहीं रे, जैसा मूड बनेल तैसा। किसको ज्यादा सुनते हो जैसे? किशोर कुमार मोस्टली। किशोर कुमार। किशोर कुमार मोस्टली, किशोर कुमार। मोस्टली ओल्ड गाने जो किशोर कुमार हो गया, फिर और एक है ना मोहम्मद रफी। अरिजीत सिंह क्योंकि उनकी मेलोडी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, मतलब सुरीले, बहुत बहुत प्यार। जुबिन नौटियाल को जानते ही नहीं आप? हाँ जानते हैं, लेकिन उतने गाने उनके पता नहीं, वो ज्यादा अच्छी ट्रेंड पे अरिजीत ही चलते होते हैं ना। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। क्यों अरिजीत, क्यों जुबिन, क्यों नहीं?
गाने दोनों के भी अच्छे एक्चुअली, दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, और जुबिन को आप उतना नहीं सुनते क्या? नहीं। ओके, आपको अरिजीत ही क्यों, जुबिन क्यों नहीं? बिकॉज एक्चुअली मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं, चूज करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई यू चोज अरिजीत। अरिजीत सिंह के गाने दिल को टच कर जाते हैं, जब ब्रेकअप हो जाता है, कोई सैड सॉन्ग अलोन फील करते हैं, तब अलग ही वाइब है। और क्या, और वो सीन है ना कि जिस लड़की के, मतलब जो लड़की को हम जानते भी नहीं, उसके प्यार में रो जाएंगे, वो वाला सीन है। इसलिए मतलब ऐसे रैंडमली किसी लड़की को देख के इमेजिन करने लगते हैं अपन, देख के है ना गाना फील होता है वैसा। एग्जैक्टली। ओके, तो और जुबिन नौटियाल क्यों नहीं? नहीं, वो भी अच्छा सिंगर है, लेकिन अरिजीत सिंह जो जरा टच में रहता है, टच में तो सुनता ही नहीं उसको। अच्छा, जुबिन को लाइक नहीं है। कौन है, अरिजीत और जुबिन नौटियाल? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह क्यों, प्लस पॉइंट बताओ ना। इन्हें कुछ उनके सैड सॉन्ग्स मेरे को अच्छे लगते हैं। मोदी जी ये अच्छा था भाई, मोदी जी अच्छा था। बट अभी ऑन सीरियस नोट कौन ज्यादा पसंद है, अरिजीत और जुबिन नौटियाल? अरिजीत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते। और जुबिन नौटियाल को जानते भी हो या नहीं? जानते ना, बहुत बड़े बेकार हो। मैं जानता नहीं उसको, मैं उसको जानता हूँ। अरिजीत सिंह। क्यों अरिजीत सिंह को बताओ ना जरा, क्यों ज्यादा अच्छे लगते हैं? उसकी वॉइस बहुत अच्छी है। ओके, उसकी स्माइल अच्छी है। स्माइल ऑसम। हाँ, एक्चुअली वो बहुत डाउन टू अर्थ भी है ना, तो बहुत वो रहते। और जुबिन नौटियाल को सुने भी होगी? नहीं, आप लोग जानते हो कौन है? नहीं जानते भी नहीं। ओके, तो अरिजीत सिंह ही ना। जुबिन नौटियाल या अरिजीत सिंह? जुबिन। ओके, आप बताओ ना जरा, अरिजीत सिंह क्यों अच्छा लगता है आपको? अरिजीत सिंह का गाना, मतलब उसका पास घमंड नहीं है, वो जैसे मतलब रहके उसको अच्छा लगता है इसके लिए। मतलब वो जितना सक्सेस है उतना घमंड नहीं, वो बहुत डाउन टू अर्थ रहता है। हाँ हाँ। ओके ओके, आपको जुबिन क्यों? जुबिन का गाना मेरा अच्छा लगता है इसलिए। आवाज अच्छा है। और अरिजीत सिंह नहीं सुनते आप लोग? नहीं, उसको मेरे को अच्छा नहीं लगता है। नहीं अच्छा लगता। तो उसके ही गाने हमको याद आते बार बार, इसके लिए बातें भी उसके। ब्रेकअप के बाद वही, ब्रेकअप हो या फिर हैप्पीनेस, सिर्फ उसके ही सॉन्ग मेरे को अच्छे लगते हैं, रोमांटिक भी है, सैड भी है। ऑसम एक्चुअली। और जुबिन नौटियाल को जानते हो कि नहीं आप लोग? इतना नहीं, नहीं जानते। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी अरिजीत सिंह के फैन। अरिजीत सिंह ऑसम। तुम लोग भी हो? ऑसम। आप लोग, मैं बताता हूँ, आप लोग कुछ बना रहे थे, एक दो डायलॉग उसका बोल के दिखाओ ना, मतलब आप लोग जो अभी रील कर रहे थे, मतलब रील कर रहे थे। हाँ, उसका कोई डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर समझायला वेळ लागेल, जेव्हा समजेल तेव्हा त्यांचा वेळ लागेल। जय भीम। ऑसम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल? जी सर, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। ओके, तो बताओ ना अरिजीत सिंह लाइक जुबिन नौटियाल क्यों नहीं? अरिजीत सिंह इज मतलब जो मतलब उसका वॉइस मतलब है ना, कैसा मतलब बोलने के लिए गया तो ब्रेकअप सॉन्ग जैसा, मतलब उनका ये मतलब सैड। जी सैड फील। जी सर। ओके, तुमको सैड सिंह बोल रहा। और जुबिन नौटियाल को सुने भी हो या नहीं? जी सुना हूँ सर। यस। ओके, तो उतना नहीं जानते? नहीं इतना नहीं कुछ। अरिजीत सिंह जी? नहीं मेरे को ही नहीं। ओके गाइज, मैं बॉलीवुड में दो सिंगर का नाम लूंगा, दोनों में से आपका फेवरेट बताना है, अरिजीत सिंह या जुबिन नौटियाल? अरिजीत सिंह। सबको अरिजीत सिंह, यही पे जीती है, पे चार वोट एक साथ में। तो एक एक प्लस पॉइंट बताओ ना, क्यों अरिजीत सिंह लाइक कुछ भी? कुछ भी अच्छी बात है अरिजीत सिंह के बारे में जो पसंद है? उसकी आवाज। हाँ एक्चुअली आवाज तो बहुत बेसिक फीलिंग ना, सैड हो जाता है, सबका ब्रेकअप हुआ है। ओके ऑसम, बहुत सारे ऑफर है फिर तो तुमको अरिजीत सिंह क्यों? आवाज। वैसे आप लोग जुबिन नौटियाल को जानते हो? जानते हो उसके गाने सुने? अच्छा, बट फिर भी अरिजीत सिंह पसंद है? दोनों भी पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन अरिजीत सिंह कंपेयर करें तो अरिजीत सिंह। ऑसम। अरिजीत सिंह या जुबिन नौटियाल? जुबिन नौटियाल। बताओ ना जरा जुबिन को, मतलब तो सर अच्छा गाता है और फील, मतलब सॉन्ग बढ़िया है उनके। अच्छा, उसकी आवाज बढ़िया है उनकी, अच्छा लगता है। तुमको? तुमको फील है उनके आवाज में? ऑसम। ओके, और अरिजीत सिंह? और उनका आवाज जरा
अरिजीत सिंह के भी बढ़िया है, सैड सॉन्ग है उनके ज्यादा, तो गम वाले गाने ज्यादा, बहुत गम में जाते हैं, हमारे लिए गर्लफ्रेंड है हमारे, इसलिए हम बहुत गम में जाते नहीं, ज्यादा गम वाले आपको पसंद नहीं आते। ओके, इसके लिए जो विंडो डाल सिंगल होने का दुख ज्यादा होता है और इसलिए वो ज्यादा सॉन्ग नहीं सुनते। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह क्यों, अरिजीत क्यों, जुबिन क्यों नहीं, मतलब नहीं वो अच्छा है यार, ऐसे सॉन्ग्स है ना एकदम हार्ट टचिंग रहते हैं इसलिए। ओके, और जुबिन का उतना नहीं सुनते क्या? नहीं वो भी अच्छा है यार, पर अरिजीत सिंह बेस्ट है और जुबिन भी बहुत अच्छा है। आप तो अरिजीत को अच्छे लगते हैं, अटैच अरिजीत सिंह आती है उसकी आवाज। ओके, और जुबिन क्यों नहीं, ज्यादा सुनता नहीं अरिजीत सिंह के अलावा? अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह। ओके, क्यों अरिजीत सिंह क्यों जुबिन क्यों नहीं, बिकॉज़ सिमिलर ही तो वाइब रहता है दोनों का? नहीं एक्चुअली मुझे अरिजीत सिंह का वॉइस अच्छा लगता है, वॉइस अच्छा है उनका। ओके, और वॉइस के अलावा? वॉइस, सिंगिंग सब अच्छा है इसीलिए। और जुबिन नौटियाल को जानते भी हो कि नहीं? हाँ जानती हूँ, बट इनका, हाँ उनका सॉन्ग ज्यादा सुनती नहीं हूँ, अरिजीत सिंह का जो सॉन्ग है बेटर रहता है। और जुबिन के ज्यादा सॉन्ग्स भी नहीं है ना, तो मे बी पहुंचे भी नहीं, पावरफुल एक्चुअली अरिजीत सिंह एक्चुअली। तो मतलब सिंगिंग के अलावा एज अ पर्सन क्या अच्छा लगता है अरिजीत सिंह में? नहीं इतना तो मैंने इंटरव्यू वगैरह उनका देखा नहीं है, ऑब्वियसली सिर्फ, हाँ सिर्फ मैंने गाने सुने। ओके, तो गाने में अच्छे हैं सब? मेरा तो फेवरेट अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह है, बताओ ना जरा क्यों अरिजीत सिंह क्यों पसंद है? उसके गाने बहुत हिट है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं, आवाज आवाज अच्छा लगता है, बहुत रोमांटिक रोमांटिक। और जुबिन नौटियाल को जानते हो लाइक कि नहीं? मतलब नहीं उनके ज्यादा तो नहीं सुनता मैं, नहीं सुनते, जानते भी नहीं। जानता हूँ, जानते हो बट ज्यादा सुनते नहीं। ओके, तो अरिजीत सिंह पसंद है। ओके ओके, आज आप लोगों ने वीडियो देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया किसके फैन ज्यादा मिले, किसके लिसनर ज्यादा मिले अरिजीत सिंह के और जुबिन नौटियाल के। सो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह के, जुबिन नौटियाल को बहुत ही कम मिले, मतलब दो चार ही मिले रहेंगे। ऑब्वियसली अरिजीत सिंह के बहुत फैन मिले, और मतलब मैं, मुझे मालूम है कि अरिजीत सिंह बेटर है, बट इतना मेरे को नहीं लगा था कि इतना है, मतलब अरिजीत सिंह के ज्यादा फैन मिलेंगे। मुझे लगा था जुबिन नौटियाल भी है यार, मतलब 50% नहीं तो एटलीस्ट 30% तो है अरिजीत सिंह का, बट उतना भी लोगों ने उतना भी नहीं दिखाया, मतलब बहुत ही कम फैन मिले। एंड अगर मैं बताऊं तो मुझे तो ऑब्वियसली मतलब यार अरिजीत सिंह बेटर है, अरिजीत सिंह को मैं ज़्यादा सुनता हूं, बट मेरे लिए जुबिन नौटियाल भी कम नहीं यार, मतलब मैं उसके सारे सॉन्ग, कम ही सॉन्ग आए हैं बट जितने भी सैड सॉन्ग है या रोमांटिक सॉन्ग है बहुत सुनता हूं मैं, लाइक मेरे जवान पे रहता। मैं अभी भी ये वीडियो बना रहा था ना, तो जितने लोग जुबिन नौटियाल को नहीं जाने थे मैं सबको गाना गा के बताया, मतलब मैं ऐसा हूं कि मतलब इतना मैं सुना हूं जुबिन नौटियाल के, तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब ठीक ही लगा। बट आई डोंट नो लोगों को जुबिन नौटियाल उतना पसंद क्यों नहीं आ रहे, अरिजीत सिंह को ऑब्वियसली ज़्यादा फैन मिले, बट आप लोगों को कौन पसंद है आप लोग कमेंट करके बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।